फ्रेंड्स, मैं खड़ा हूँ बख्तियारपुर फोर लाइन पर और आज है हमारी ट्रिप राजगीर की। सारे दोस्त लोग बैठ चुके हैं, देख सकते हैं, और काफ़ी इंजॉयमेंट हो रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर। एक पिक का कितना लेते हैं? 100 रुपया। तो आज काफ़ी भीड़ है लोगों की, काफ़ी एक्सप्लोर करने के लिए लोग आए हुए हैं, और जिसमें कई सारे ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं खड़ा हूँ बख्तियारपुर फोर लाइन पर और आज है हमारी ट्रिप राजगीर की। हम लोग रेडी हो चुके हैं राजगीर जाने के लिए, और यहाँ से देख सकते हैं हमारी गाड़ी खुलेगी और डायरेक्ट राजगीर में ही रुकेगी। तो काफ़ी सारे दोस्त लोग इन्जॉयमेंट के साथ जा रहे हैं, तो वीडियो में इन तक बने रहें। काफ़ी जगह हम लोग घूमने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो देख सकते हैं, मैं खड़ा हूँ बिहार टी स्टॉल पर, जो बख्तियारपुर की काफ़ी फेमस टी स्टॉल है, जैसे कि आप इसे देख सकते हैं। और अभी हमने ट्राई किया चाय, लिट्टी चोखा। तो देख सकते, मैं दोस्तों से मिलाता हूँ आपको। तो ये है हमारे राहुल भाई। तो राहुल भाई, हाई कर दिए कैमरे में। तो आपका नाम है? हाँ, तो आज हमारे साथ राज भाई हैं और राहुल भाई हैं। तो और यहाँ से देख सकते हैं हमारे फ्रेंड प्रेम भी हैं। प्रेम, हाई कर दो कैमरे में भाई। हाय। 2024 का आज दूसरा दिन है, 2 जनवरी है आज। रोशन भाई हैं हमारे, ड्राइवर साहब हैं आज। तो हाई कर दीजिए एक बार कैमरे में। 2 या 2.5 घंटे में हम राजगीर अच्छे से पहुंच जाएंगे बख्तियारपुर से। ब्लॉग में इन तक बने रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। फाइनली गाइज, हम लोग राजगीर पहुंच चुके हैं और बहुत ही मुश्किल से पहुंचे हैं, बहुत ही जाम का सामना करना पड़ा। और ये है राजगीर का गुरुद्वारा जय साहिब, और यहाँ हमारी गाड़ी पार्किंग हो चुकी है। तो कृष्णा भैया, बताइए कैसा लगा? बहुत ही समय लगा, लेकिन अच्छे से हम लोग पहुँच गए ना। बहुत मौज मस्ती किए, अच्छे से आए, बहुत अच्छा लगा और फुल इंजॉयमेंट हुई। बाकी है पूरा राजगीर, अभी पूरा घूमना है। और ये राजगीर का ब्रह्म कुंड है, कहा जाता है कि इसमें नहाने से काफ़ी लोगों की इच्छा पूरी हो जाती है। ये है राजगीर ब्रह्म कुंड का एंट्री गेट, और ये देख सकते हैं ब्रह्म कुंड। राजगीर आए, अब बंदर ना देखें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, काफ़ी टूरिस्ट लोग आए हैं। अभी मैं खड़ा हूँ ब्रह्म कुंड के पास, और देख सकते हैं यहाँ से आप पहाड़ का नज़ारा, माउंटेन का। ये राजगीर की पहाड़ियाँ हैं, और ये देख सकते हैं एक छोटा सा पार्क है हुआ है आगे में, जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर। और अभी दोस्त लोग गए हैं ब्रह्म कुंड में नहाने के लिए। हमें टिकट मिली है, हम जा रहे हैं रोपवे की सवारी करने। जा रहे हैं टिकट आपका राजगीर रोपवे का, देख सकते हैं। सारे दोस्त लोग बैठ चुके हैं, देख सकते हैं। सक्षम, कैसा लग रहा है? सक्षम, बहुत बढ़िया लग रहा है और काफ़ी इंजॉयमेंट हो रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर शांति स्तूप में। कहीं रोपवे का नज़ारा आप लोग, चलो और समझिए। वो पहले वाला रोपवे अभी बंद है, सिंगल रोपवे, अभी कैबिन रोपवे स्टार्ट है। जाते समय आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स दिखाई देंगे। शांति स्तूप ऊपर जाने का रास्ता है यहाँ से, आप जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, और काफ़ी सारे लोग आए हैं यहाँ पर। हम लोग जा रहे हैं नीचे, देख सकते हैं वहाँ पर आपको घंटा एक दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं एक बड़ा सा घंटा है।
ठंड का वेदर में काफ़ी हॉट वेदर आपको देखने को मिल रहा है। और अभी मैं जा रहा हूँ सबसे नीचे, सभी दोस्त लोग प्रेम हाय करो। तो देख सकते हैं वहाँ का व्यू, आपको कुछ नेपाल जैसा व्यू दिखाई देगा आपको। वहाँ पर फ्लैग लगी हुई है चारों तरफ। तो यहाँ से आपको पूरा आपको व्यू दिखाई देगा माउंटेन का, देख सकते हैं दूर दूर तक आपको खाई ही खाई दिखाई देगी। और ये रहा विश्व शांति स्तूप। दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए शांति स्तूप, तो ज़्यादातर आपको फॉरेनर लोग ज़्यादा दिखाई देंगे यहाँ। मैं जा रहा हूँ ये ऊपर वाले फ्लोर पर, और यहाँ जाने के लिए आपको जूते खोल कर जाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं शांति स्तूप के चारों ओर आपको गोल्डन गोल्डन स्टैचू देखने को मिलेंगे जो बुद्ध भगवान के हैं, और अलग अलग आकृति के दिखाई देंगे आपको स्टैचू। लग रहा है कृष्ण में घूम, बहुत अच्छा लग रहा है घूमने। ठंड के दिनों में काफी अच्छा लगता है घूमने में, बहुत भीड़ भी रहता है और घूमने में भी अच्छा लगता है। चलने का और प्यारा सा सनसेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो आप सनग्लासेस जो देख रहे हैं, ये मैंने अभी बाय किया है 80 रुपीज़ में, ये मैंने बाय किया है और काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल है ये। फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जाता है कि कॉइन्स को फेंकने से वो चिप कॉइन्स आपका चिपक जाता है, जैसे कि देख सकते हैं सारे के जय बरम बाबा लोगों का मनोकामना पूरा करते हैं, मनोकामना पूरा होता है जिसका कॉइन्स चिपक जाता है। और देख सकते आज काफ़ी भीड़ है लोगों की, काफ़ी एक्सप्लोर करने के लिए लोग आए हुए हैं, और जिसमें कई सारे ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, और मंकी आपको चारों तरफ मंकी आपको दिखाई देंगे। फ्रेंड्स आपको एंट्रेंस में दो आपको शेर दिखाई देंगे। और आपको कई सारे फोटोग्राफर दिखाई देंगे जो रैंडम क्लिक्स लेते रहते हैं। भैया एक पिक का कितना लेते हैं? 100 रुपया। फ्रेंड्स हम लोग ने शांति स्तूप अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, घूम लिया, और देख सकते हैं अब सनसेट भी होने जा रहा है क्योंकि टाइमिंग हो चुकी है 4:10 हो चुकी है। ये आपका रास्ता है पूरे पहाड़ियों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए। देख सकते हैं शांति स्तूप के नीचे उतरने से मैं आपको छोटा सा मार्केट की तरह एक आपको दिखाई देगा। आपके पास देख सकते हैं, सकते हैं आप बढ़िया 30-30 में दो को दे, दो दे, दो को। कृष्णा भैया ले रहे हैं, ठीक है हो 70 कर दीजिए ना। कृष्णा भैया आप स्मार्टफोन ले रहे हैं कितना दे? लाठी का बउवा के लिए हम कितना दे? इन बोलो जरा आपको देख सकते हैं सेल्फी स्टिक। भैया सेल्फी स्टिक कितने का है? 100 रुपये का मिनी है ये, मिनी वाला छोटा है ओ, ये 250 का है। और ये सब कितने का है? ताजमहल। तो देख सकते हैं काफी सारे सामान मिलने रहेंगे। चलो चलो कितने का है भैया वो बोला? ताजमहल नहीं, वो जो आपके हाथ में 50 रुपये। देख सकते हैं कुछ नए प्रकार का स्टोमेन बॉक्स यहाँ मिल रहा है मेले में। इसको ओपन करो तो प्रेम, तो देख सकते हैं कुछ यूनिक डिज़ाइन है और देखने में काफ़ी अच्छा है। 40 रुपये की रिंग का।
अब हम लोग बैक जा रहे हैं। देख सकते हैं फॉरेनर लोग के लिए 150 रुपये है और लोकल के लिए आपको 120 रुपये का है प्राइस टिकट। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया विश्व शांति स्तूप। तो जैसा कि देख सकते हैं सभी दोस्त लोग, हम लोग ने काफ़ी इन्जॉयमेंट किया। तो कैसा मज़ा आया? बहुत अच्छा लगा। फ़ोटो वोटो बहुत ज़्यादा खींचे हम लोग, काफ़ी सारे फोटो शूट हुए हैं हम लोग का। रील्स में आप लोग काफ़ी देखिएगा। अभी तक आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, बाढ़ का यूट्यूबर हमारा पेज आईडी है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए